हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ इनदर वीडियो। आज इस वीडियो में जानेंगे टाइप्स ऑफ स्टील के बारे में। तो हमारे पास जो स्टील्स होती हैं, जो साइड पे यूज़ करते हैं, वो कौन कौन से टाइप की होती है जो रेनफोर्समेंट में प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले देखना है कि एमएस बार, माइल्ड स्टील बार, आपको जो एमएस डोंट क्या करा है इसमें, माइल्ड स्टील बार। तो सबसे पहले पॉइंट बात करते हैं एमएस बार क्या होता है। जो एमएस बार की जो प्रॉपर्टी होती है, यील्ड जो इसका स्ट्रेस होता है, यील्ड स्ट्रेस रेनफोर्समेंट जो बार होता है, Fe 250। Fe क्या होगा, तो 250 एमएस बार हमेशा जो होते हैं Fe 250 से होते हैं। तो इसका क्या होगा, यील्ड स्ट्रेंथ न्यूटन पर एम स्क्वायर के अंदर जो भी डिनोट कर रहा है Fe 250, तो Fe आपके पास हो गया आयरन और 250 हो गया आपका यील्ड स्ट्रेस न्यूटन पर एम स्क्वायर के अंदर। क्लियर। सेकंड पॉइंट देखते हैं, नॉट प्रीफर्ड ओवर हाई यील्ड स्ट्रेंथ। जो ये प्रीफर्ड होता है ओवर हाई यील्ड स्ट्रेंथ, जो आपके पास ज़्यादा जो इसको एमएस बार होता है हाई यील्ड, आपके पास कोई भी हाई यील्ड स्ट्रेंथ होती है वहाँ पर इसको प्रयोग नहीं करना है। तो डिफॉर्म बार बिकॉज ऑफ देयर लेस स्ट्रेंथ एंड वीक बॉन्ड। जो ये एक हम आपको जानकारी आपको पता होगा कि जो एमएस बार होता है प्लेन बार होता है, ये आपका प्लेन बार होगा, तो इसकी जो वीक बॉन्ड होता है कंक्रीट के अंदर, हमेशा जो स्टील बार हमेशा क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जो कंक्रीट का जो सरिये के अंदर होता है रिप्स, जो कि आपने देखा होगा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जो रिप्स होती है, वे बॉन्ड का काम करते हैं कंक्रीट के अंदर। अगर अगर स्टील क्या होता है, टेंसाइल रिइंफोर्समेंट होता है, अगर इन दोनों पर इधर से फोर्स करेंगे, इधर से फोर्स अप्लाई करेंगे, तो ये क्रैक्स नहीं मारेगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, यूज्ड एज लेटर टाइज इन कॉलम्स एंड एट प्लेस वेयर नॉमिनल रिइंफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड। आपको पता होगा कि जो यूज करते हैं कॉलम के अंदर, कॉलम के अंदर यूज करेंगे लेटर टाइज के लिए, जो आपके पास ये आपके क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट, और जो इसमें आप बाहर से जो रिंग्स प्रोवाइड करते हैं जिसको आप स्टब्स बोलते हैं, स्टब डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ये आपका क्या होता है लेटरल टाइज, ठीक है। आपके टाइज चला जाती है कॉलम के अंदर एंड प्लेस्ड वेयर नॉमिनल रिइंफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड। जहाँ पे जो रिइंफोर्समेंट होता है, जैसे कि लोड विदाउट लोड बियरिंग स्ट्रक्चर है, तो उसमें आप जैसे कि फ्लोरिंग हो गया, PCC हो गया, फ्लोरिंग जैसे RCC फ्लोरिंग हो गया, तो उसके अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इसको रिप्रेजेंटेड करेंगे पाई से, जो आपका माइल्ड स्टील रिइंफोर्समेंट होगा उसको डिनोट करेंगे आप पाई से। सेकेंड इज HYSD हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म क्या बार क्या होता है, इसकी जो पॉइंट देख लेते हैं। जो इसकी परसेंटेज होती है ऑफ कार्बन, जिसके अंदर जो कार्बन होता है, कार्बन की जो परसेंटेज मात्रा होती है वह माइल्ड स्टील के अंदर होती है। माइल्ड स्टील होगा तो स्ट्रेंथ होगा आपके पास, जो माइल्ड स्टील है उसकी परसेंटेज होती है कार्बन की HYSD के अंदर, माइल्ड स्टील से क्या होता है ज़्यादा होती है कार्बन की, माइल्ड स्टील से ज़्यादा होती है कार्बन की परसेंटेज। उसके बाद देखते हैं स्ट्रेंथ, जो माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट होता है उसकी रेनफोर्स, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है उससे ज़्यादा होती है आपके पास HYSD की स्ट्रेंथ। HYSD में हमेशा देखा होगा मैंने रिप्स बने होते हैं, इसमें आपके रिप्स बने होंगे। जो MS बार होंगे उसमें आपके पास रिप्स नहीं बने होते हैं। उसके बाद देख लेते हैं टाइप्स, टाइप्स ये कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स क्या होंगे, हॉट रोल्ड हाई यील्ड स्ट्रेंथ, जो मैं पिछली वीडियो में सिखाया था मैंने IS कोड के, जो कौन से कोड होता है इनके लिए कौन सा कोड प्रीफर्ड होता है। तो सेकंड इज कोल्ड वर्कड हाई यील्ड स्ट्रेंथ बार, सेकंड इज होगा कोल्ड वर्कड हाई यील्ड स्ट्रेंथ बार्स, ठीक है। तो CTC क्या डील कर रहा है आपके पास, कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार, कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार। अगर आप कोई भी पूछे इनको भी आप नोट कर लेना, याद कर लेना, लिख लेना, ठीक है। तो वो क्या होगा, बार्स और टोर स्टील बार, जो ये बार होता है आपके पास टोर बार हो या फिर, ठीक है, जब आपके पास टोर बार कहलाता है। टोर बार हमेशा जिसमें रिप्स बनी होती है लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स, वो आपका टोर बार होता है। तो डिफॉर्म बार रिप्रेजेंटेड बाई हैज, आपने देखा होगा जो बिल्डिंग ड्राइंग होती है उसमें अक्सर लिखा रहता है 12, ठीक है, तब उसके 12 नंबर हैज 8, तो या फिर ऐसे लिख सकता है 8 हैज, ठीक है। तो 12 नंबर क्या, 12 नंबर डिनोट कर रहा है, 8 में क्या कर रहा है हैज बायस डायस, 8 हैज डाया, क्लियर। कुछ भी लिख सकते हैं, आगे लिख सकते हैं जैसे कि 8 हैज 12, 8 mm का 12, 8 बार होगा 12 mm का, यही डिनोट करता है। तो Fe 415 जो इसके बार होंगे डिफॉर्म बार रिप्रेजेंटेड बाई आई से या फिर टी से, इसको टी से भी नोट कर देते हैं ऐसे, टी से भी या फिर टी के बाद लगाने के बाद इस तरह से भी कर देंगे इसको नोट, ठीक है। तो ग्रेड कौन सी होती है इसके अंदर, जो HYSD बार होता है ग्रेड कौन कौन सी होती है, तो ग्रेड होती है आपके पास Fe 415 और Fe 500, बस ये दो ही ग्रेड होती है ओनली। और इसको टोर 40 बोल सकते हैं या फिर टोर 50। तो टोर बार होगा
तो टोल बार को आपको 40 में लिखेंगे या फिर 50 के अंदर। एफ ई 500 होगा तो उसको 50 के अंदर लिखेंगे, एफ ई 415 होगा तो उसको 40 के अंदर लिखेंगे। एफ से एफ ई क्या कर रहा है आपके पास आयरन से बना हुआ, और 415 आपका यील्ड स्ट्रेस इन न्यूटन पर मीटर, जो उसकी प्रॉपर्टीज होती है। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं, एच वाई एस डी बार जो होता है इन आर सी मेम्बर्स में ओवर प्लेन बार, ओवर प्लेन जो आपके प्लेन बार होता है उसकी जगह पर आप एच वाई एस डी बार को यूज़ कर रहे हैं, और उसकी उससे फ़ायदा क्या हो रहा है आपके पास हाई स्ट्रेंथ मिल रही है, जो प्लेन बार होता है उसमें स्ट्रेंथ जो कम होती थी और प्लेन बार के अंदर ज़्यादा होती है। इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ कंक्रीट के अंदर आपने कंक्रीट प्रोवाइड किया, उसके अंदर बार यूज़ किया डिफॉर्म बार, तो उसमें रिप्स होती हैं, ये आपके पास एक पकड़ बना के रखती है। अगर आप किसी प्लेन बार करेंगे कोई लोड इधर से अप्लाई होगा सेंटर में अंदर, तो आपका क्या करेंगे स्लिप करेंगे, कंक्रीट से निकल जाएंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आपके पास, सेकेंड इज बेटर बॉन्ड, जो अपने पता होगा कि बेटर बॉन्ड होता है जो प्लेन बार होता है, आपका प्लेन बार होगा उससे 60% ये ज़्यादा इन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कंक्रीट के अंदर, बॉन्ड स्ट्रेंथ। सेकेंड इज इकोनॉमी, तो इकोनॉमी में क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ एच वाई एस डी बार होता है एम एस बार, आपने देखा होगा जो कॉस्ट होती है एच वाई एस डी बार की एम एस बार के बराबर होती है लमसम एंड रिक्वायर्ड लेस ड्यू टू हाई स्ट्रेंथ। इसी बेस पे जो एच वाई एस डी बार होता है और टी एम टी बार होता है वो कम यूज़ करते हैं प्लेन बार का, अगर प्लेन बार यूज करेंगे वो ज़्यादा यूज करने होते हैं, और उससे क्या होता है आपका डेड लोड स्लैब के ऊपर पड़ता है, और फिर स्लैब के ऊपर जाने से तो आपका फुटिंग के अंदर जाता है, लोड कुछ भी पड़ता रहे या बिल्डिंग हो गई, बिल्डिंग के ऊपर अगर यहाँ पे लोड पड़ रहा है तो वो भी डिफेक्ट कहाँ पे कर रहा है ग्राउंड पे बेस पर, ये आपका बेस पर भी डिफेक्ट कर रहा है, इसलिए जो इसको डिनोट इसे रिप्रेजेंटेड किया जाता है लेस ड्यू टू हायर स्ट्रेंथ। ठीक है, तो कुछ बेसिक पॉइंट्स जो मैंने आपसे शेयर किया, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टी एम टी बार एंड कोरोज सी आर एस के इनको दोनों का डिफरेंस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैंने साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।